आप सभी का यह है काइनेमैटिक्स का सेकंड पार्ट जिसमें हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है आज हम इसे समझेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये भी समझेंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें ये आपस में डिफ़र करते हैं। तो पहले तो हम डिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। सो बेसिकली इट इज़ कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है किसी भी टाइम इंटरवल में। मीन्स कोई भी समय में बॉडी द्वारा कवर किया हुआ पाथ होता है जो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, जिसकी जो डिस्टेंस है मीन्स जो पाथ लेंथ है कुछ होगी मीन्स बेसिकली, तो ये ए से लेके बी तक कोई व्यक्ति गया और मान लीजिए ये 10 मीटर का है तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ जाएगा, उसका डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा 10 मीटर। तो बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है इसकी, जो भी पाथ कवर किया जाता है बॉडी के द्वारा किसी भी टाइम इंटरवल में तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे कि आप मान सकते हैं, देखिए आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं। मान लीजिए ये एक बॉय है जो कि साइकिल पे है, तो ये अपने अगर घर जाना चाहता है तो ये देखिए आप, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, तो आप इसकी देख सकते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। सो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉय तो वो भी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉय इज इक्वल टू द 4 मीटर। मींस बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर। बट अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर वो इसी सेम बॉय को बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जाना है तो डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी 3 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच का जो पाथ लेंथ है वो क्या है, पाथ लेंथ है 3 मीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉय फ्रॉम पॉइंट बी टू सी इज 3 मीटर। सो बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन डिस्टेंस की। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक, जैसे मान लीजिए एक बॉय है, इस बॉय को इस ट्री के पास पहुँचना है, मीन्स कि इसको ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जाना है, तो ये कैसे जा सकता है, इसके दो तरीके हैं, या तो ये जाए ए से बी तक फिर बी से सी तक, ये पाथ को फॉलो कर सकता है और पेड़ के पास पहुँच जाएगा। तो एक पाथ तो ये हो गया, पहला पाथ हो गया ए बी सी, और दूसरा पाथ क्या है, ये ए से लेके सी तक डायरेक्ट चला जाए इस पाथ को फॉलो करते हुए। तो आप देख सकते हैं दो पाथ हैं, तो आप अगर आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे ए बी सी का, तो आप देख सकते हैं इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 4 मीटर यहाँ पे और 3 मीटर यहाँ पे, तो इसको 7 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। बट अगर ए से लेके सी तक का जाता है तो उसे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, उसे 5 ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पढ़िए आप, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए इसके पास, इस बॉय के पास दो रास्ते हैं, तो डिस्टेंस अगर कोई निकालेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 7 अगर वो ये पाथ लेगा, बट अगर वो ये पाथ लेगा तो डिस्टेंस भी यही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा, दोनों चीज़ें यही हो जाएंगी। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक के बीच का, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर। आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। अब कुछ इसके डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए अब हम इनके डिफरेंस देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है।
तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होगा, जैसे कि आपने अभी इसी केस में देखा ही, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया वाला, इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है 5 मीटर। बट इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है, मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से स्टार्ट होके ए पॉइंट पे वापस आ जाए तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी आर, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, तो मतलब कितना किया 2 पाई आर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर। बट अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया इसने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जब ये इस पॉइंट से चला और इसी पॉइंट से घूम कर इसी पॉइंट पर आ गया तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है सेम है, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को तो हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट जब वो सर्कल में मूव किया तो ए पॉइंट से स्टार्ट कर और ए पॉइंट पे ही ख़त्म हो गया, मींस वापस आ गया, तो उसका जो शॉर्ट जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, वो तो ज़ीरो ही रहा ना। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज़ आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपको एक बात हमेशा याद रखने की, जो डिस्टेंस है, आपको एक बात याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये एक स्ट्रेट पाथ है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और इसकी मान लीजिए हम मान लेते हैं डिस्टेंस है 10 मीटर, तो उसने डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस उसने चला 10 मीटर। बट हम आपसे इसी में क्वेश्चन में पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको शुद्ध भाषा में बताया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है। अब स्ट्रेट पाथ में अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं और इस पॉइंट पे जाना, तो स्ट्रेट पाथ में आप क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और क्या डिस्टेंस देखेंगे, तो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं दोनों। सो मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो सकता, मतलब इक्वल हो सकता है जैसे कि स्ट्रेट पाथ के केस में हमने देखा, और बड़ा हो सकता है जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा था किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो आपने मतलब कोई मोशन ही नहीं करा है, आप रेस्ट पे हैं। अगर डिस्टेंस बराबर आ गया ज़ीरो तो आप एक आप कौन सी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, तो स्पीड तो आप सभी जानते होंगे, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी, द टाइम रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। मतलब बेसिकली सिंपल इसमें यही लिखा है कि अगर हम डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लें तो बेसिकली ये क्या देगा, ये हमें देगा स्पीड। अब स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर से हमें मतलब पता चलता है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये होता है बेसिकली स्केलर का मतलब। तो स्पीड क्या है बेसिकली, एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिखेंगे कैसे, एम लिखेंगे मीटर के लिए, एस लिखेंगे सेकंड के लिए, और पर सेकंड के लिए हम बनाएंगे -1 का साइन। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर होती है डिस्टेंस की और टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, LT-1, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसके फॉर्मूला क्या बन रहा है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर के क्या हो जाएगी एल,
और सेकंड की क्या हो जाएगी टी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एल अपॉन टी को तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन, तो इसकी क्या आ गई ये डायमेंशन आ गई। तो इस तरीके से स्पीड हमने बता दी है। और स्पीड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्पीड को हम बेसिकली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, या फिर हम इसे वैसे आप स्मॉल एस से भी कर सकते हैं बट इसमें फिजिक्स में आप किससे करेंगे, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, ये बेसिकली जस्ट आपको स्पीड जैसा ही मानना है, बस इसमें मैग्नेट डायरेक्शन भी होता है। देखिए आपने स्पीड में क्या पढ़ा, आपने स्पीड में ये पढ़ा है कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस इसमें डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। सो द टाइम रेट ऑफ कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, मीन्स उसमें डिस्टेंस था इसमें डिस्प्लेसमेंट है, वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसका एक डायरेक्शन भी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी एक डायरेक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इस वजह से ये वेलोसिटी और स्पीड स्केलर और वेक्टर हैं। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और इसकी डायमेंशन भी एल टी माइनस वन होती है। अब आपको ये फॉर्मूले देख सकते हैं आप, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी अपॉन टी, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बेसिकली होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये इस तरीके से आप इसके फॉर्मूले देख सकते हैं। यहाँ पे डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और यहाँ पे एस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो मैंने आपको दोनों के फॉर्मूले बता दिए हैं, पर ये इसमें डेल्टा क्यों लगा है, इसमें डेल्टा इसलिए लगा है क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े चेंज को, मींस लार्ज चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस ये जो डेल्टा है ये हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, मींस डेल्टा मींस जो चेंज है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा चेंज है इसलिए हमने डेल्टा का यूज़ किया। बट अगर हम शॉर्ट चेंज की बात करेंगे, बहुत नेग्लिजिबल चेंज की बात करेंगे, मतलब ना के बराबर कोई चेंज है अगर, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंशिएशन हम करते हैं डी बाई डी टी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वेलोसिटी। जिस तरीके से हम जब चेंज बड़ा होता है तो हम यूज़ करते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, बट जब हम इसे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और बहुत शॉर्ट चेंज के लिए लेने लगते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डी एस अपॉन डी टी। मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, और वो हमें क्या देगा, वो हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगा। सो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूले याद रखने हैं, दैट v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, एंड v इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट आपको मिलेगा वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे आप याद रख लीजिए, डेट v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, या फिर आप s को r से भी रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में, डी आर अपॉन डी टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म। हम किसी भी मोशन को यूनिफॉर्म कब कहेंगे, हम जब कहेंगे जब वो कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हम किसी भी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब वो हर पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करे। कैसे कवर करे, मैं आपको बता, जैसे कोई एक कार है, अब एक कार है जो कि 2 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रही है, इसी तरीके से वो अगले दो सेकंड में फिर से 4 मीटर कवर कर रही है, तो मतलब अब वो टोटल 4 सेकंड में कितना कवर कर लेगी, 8 मीटर कर लेगी या नहीं कर लेगी। और
अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट 2 सेकंड में भी इसने 4 मीटर कवर किया, तो ये अभी 6 सेकंड में कवर कर लेगी 12 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी मतलब इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड की आ रही है। 2 मीटर पर सेकंड मीन्स इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मीन्स चेंज नहीं कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप देख सकते हैं कि हर 2 सेकंड में बॉडी ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मीन्स इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में ये ज़रूरी है कि उस पर कोई भी फोर्स ना लगे, कोई भी टॉर्क ना लगे, और बिना फोर्स और बिना टॉर्क अप्लाई करे अगर वो सेम डिस्टेंस और सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है सेम इंटरवल में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी किस में यूनिफॉर्म मोशन में है। और जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो डिस्टेंस होता है वो दोनों कैसा हो जाता है, वो दोनों इक्वल हो जाता है। मैं आपको एक बार और यूनिफॉर्म मोशन समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये ए है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो कोई भी व्यक्ति है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो वो 2 सेकंड में 4 मीटर कवर करता है, फिर वो यहाँ पहुँच जाता है बी पॉइंट पे, और बी से लेके सी तक भी वो 2 सेकंड में 4 मीटर कवर करता है। मतलब वो हर इक्वल समय इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर 4 मीटर को कवर करने के लिए वो 2 सेकंड ले रहा है। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन जिसमें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेट इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने की रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए। सो मीन्स जब कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है और इनक्रीज कर रही है हर एक टाइम में पर्टिकुलर बढ़ रही है। मीन्स मान लीजिए जैसे कि कोई बॉडी ए से लेके बी तक गई और बीच में मान लीजिए कोई सी पॉइंट है, तो ए से लेके सी तक जब वो गई तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़, मतलब उसकी सॉरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी और अब वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये कितनी बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। ऐसी अगले 2 सेकंड में फिर ये 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड में फिर बढ़ जाके हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी हर एक पर्टिकुलर टाइम में इंक्रीज कर रही है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसकी ऐसा यूनिट बेसिकली क्या होती है, m/s². m/s² क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन s, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, सॉरी s नहीं t, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी की ऐसा वो क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसकी भी सेकंड, तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, m/s². मतलब इस तरीके से आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे m/s². और इसकी डायमेंशन क्या होती है, lt-2, मतलब वेलोसिटी की होती है lt-1 और नीचे एक और t है, तो ये ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी lt-2 इसकी एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताई थी आपको, δv/δt, और δv यहाँ पे बहुत बड़े चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जब हम छोटे चेंज की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। देखिए देखिए तो आप इसका फॉर्मूला दे सकते हैं a = δv/δt, और δv यहाँ पे बड़े चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं a = लिखा है dv/dt। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये dv और dt है ये बहुत ही स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही छोटे चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया
हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। सो देखिए हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी ली और हमने उसे डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये होता है एक्सेलरेशन, ये वेक्टर का साइन है, तो ये हो जाती है एक्सेलरेशन। बट मैंने आपको बताया था जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया ये dv अपॉन dt, बट मैंने आपको पहले बताया था कि v बराबर क्या होता है, dr अपॉन dt, या फिर आप इसे क्या लिखते हैं, ds अपॉन dt। सो जब v बराबर dr अपॉन dt है, तो अगर हम इसमें a = dv अपॉन dt में इसकी वैल्यू अगर रख देंगे, मींस डी अपॉन डी टी, और हमने वी की जगह पे क्या रख दिया, हमने वी की जगह पे रख दिया डी आर अपॉन डी टी इस तरीके से, तो क्या हो जाता है, डबल डिफरेंशिएट हो जाता है, दो बार डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाता है डबल डिफरेंशिएशन। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अगर a बराबर dv अपॉन dt और v को हम लिख सकते हैं dr अपॉन dt, तो ये डबल डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। तो ये होता है बेसिकली फॉर्मूला। देखिए और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें r दिया होता है। r क्या होता है, बेसिकली किसी भी बॉडी का मोशन का डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए उसकी वेलोसिटी, तो आप उसे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जब अगर वो छोटे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसे डिफरेंशिएट कर देंगे टी के टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या दे देगा, वो दे देगा वेलोसिटी आपको, ठीक। पर अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछी जाए, तो आप इसी आर को क्या कर देंगे, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपको वेलोसिटी दीजिए और एक्सेलरेशन पूछे, तो आप सीधे फॉर्मूले लगा सकते हैं a = dv अपॉन dt। बट अगर आपको दिया है, जैसे कि मान लीजिए आपको वी दिया है, और आपको वी दिया है, आपको गिवन है वी, और आपसे आर पूछा गया, अब आप क्या करेंगे, मीन्स देखिए एक साइकिल है यहाँ पे, किस तरीके की साइकिल है, अगर आपको आर दिया है तो इसे डिफरेंशिएट कर दो तो मिल जाएगा वी, इसको डिफरेंशिएट कर दो अगर तो मिल जाएगा हमें ए। अब इसका उल्टा क्या, अगर हमें ए दिया है और हमें पहुँचना है वी पे, तो हम करेंगे ए को इंटीग्रेट, और अगर हमें वी दिया है और हमें पहुंचना है आर पे, तो हम करेंगे वी को इंटीग्रेट, तो हम पहुंच जाएंगे आर पे। तो इस तरीके से हम इस साइकिल को फॉलो करते हैं। सो मैंने आपको बताया कि हर एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। पर अगर मान लीजिए वेलोसिटी हर एक सेकंड में डिक्रीज़ कर रही है, तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। और अगर हर एक सेकंड में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट बढ़ रही है, मतलब पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, और तीसरे सेकंड में भी इस तरीके से चलता रहा अगर, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मीन्स जब सेम चेंज आए वेलोसिटी में ईच यूनिट ऑफ टाइम में, मतलब हर एक सेकंड में सेम चेंज आए, मतलब पहले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तीसरे सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, इस तरीके से मींस सेम चेंज आ रहा है हर एक यूनिट टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बट हर एक सेकंड में जब अलग अलग मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। पर जब डिक्रीज़ कर रही होती है, तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मींस बेसिकली होता है एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट, कोई भी घड़ी, कोई भी घड़ी मतलब कोई भी समय,
एट एनी इंस्टेंट। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम। इसका बहुत महत्व है यहाँ पे, देखिए कैसे, एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, मान लीजिए एक बाइक है, एक इस तरीके से बाइक है, बाइक छोड़िए हम कार बनाते हैं, एक तरीके से कि कार है, तो ये कार मूव कर रही है। तो कार ने कब से कब तक मूव किया, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ इस कार ने 10 सेकंड के लिए मूव किया, 10 सेकंड के लिए मूव किया और कोई एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव किया। मान लीजिए इसने 8 मीटर पर सेकंड से मूव किया, ठीक। पर मैं आपसे, आपने कि जो मेरे को स्पीड बताई है 8 मीटर पर सेकंड, ये तो आपने पूरे मेरे को 10 सेकंड की बता दी कि पूरे 10 सेकंड में इसकी एवरेज या कुछ स्पीड इसकी 8 मीटर पर सेकंड रही। पर अगर मैं आपसे पूछूं 5वें सेकंड में क्या स्पीड थी उस पर्टिकुलर सेकंड पे, या 7वें सेकंड पे क्या स्पीड थी, तो ये हमने कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे स्पीड पूछी है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम ये वेलोसिटी के साथ भी है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप इसमें देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम ds/dt से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ds/dt बहुत शॉर्ट चेंज, बहुत स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए। और ये स्मॉल s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और जो s है, ये वाला s, ये स्पीड को डिनोट कर रहा है। तो s हो गया यहाँ पे, कैपिटल s है स्पीड और जो स्मॉल s है वो डिस्टेंस। इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब जब बॉडी मूव कर रही है किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। मैं जैसे मान लीजिए जैसे 15 सेकंड के लिए कोई बॉडी मूव करी, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 11th सेकंड पे क्या वेलोसिटी रही होगी, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ds/dt से। अब आप मुझसे पूछेंगे दोनों के फॉर्मूले तो सेम है। हाँ, सेम हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो s है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और वहाँ स्पीड में s रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्टेंस को। पर जब स्ट्रेट लाइन का केस आएगा, मतलब स्ट्रेट पाथ में जब कोई बॉडी मोशन कर रही है, तो दोनों s सेम होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। तो हम सभी जानते हैं कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। हम एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरीके से हम स्पीड का एवरेज निकालेंगे, मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें क्या देगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें देगा एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, रेशियो होता है डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द पाथ। सो इसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस था तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बस द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द। देखिए अब दिया गया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस है एक्स, और इसमें क्या करता है, एक जो व्यक्ति है वो कार चला रहा है, तो उसने एक्स बाय 3 डिस्टेंस कवर किया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर से, आप यहाँ देख सकते हैं, और उसने नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस कवर किया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर से, और उसने नेक्स्ट 1/3 कवर किया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले हर एक स्लॉट में हम इसमें टाइम निकालेंगे सबका, और जब टाइम आ जाएगा तो हम टोटल डिस्टेंस, मतलब एक्स डिस्टेंस है टोटल, और इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। तो आप देख सकते हैं ये है इसका सोल्यूशन। तो हम मैंने आपको कही थी कि हम सब में पहले टाइम निकालेंगे, और टाइम कैसे निकालेंगे, t1 पहले उसने एक्स बाय 3 डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका डिस्टेंस हम, मतलब टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है एक्स बाय 3 और टाइम है स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स बाय 30 आ जाएगी इसकी क्या टाइम आ जाएगा। ऐसी सेकेंड पार्ट में इसने एक्स बाय 3 डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हो जाएगा एक्स बाय 60। एंड थर्ड में आप देख सकते हैं इसने एक्स बाय 3 डिस्टेंस कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका टाइम हो जाएगा एक्स बाय 180। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा एक्स बाय 18। तो एक्स बाय 18, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो टोटल जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने मूव किया होगा टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, जो कि इसकी एवरेज स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस, मतलब ये वन डायमेंशन मोशन दिया गया है। जैसे अगर हम एक एक्सिस ऐसे बनाएं और ये अगर जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमें एक इक्वेशन से दिया गया है किसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हमें रिलेशन दिया गया है इन दोनों का। ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम टी को डिनोट कर रहा है। तो इसमें हमें एक रिलेशन दिया गया है एस और टी के बीच में, तो हमसे पूछा गया है कि हमें टाइम बताइए जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है एक्सेलरेशन। तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है तब टाइम क्या होगा, तो हम पहले से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन की जगह मतलब यहाँ पर हम रख देंगे ज़ीरो, फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह रख देंगे हम ज़ीरो, और डी एस अपॉन डी टी जो भी सॉल्व होने पे आएगा उससे हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए हमें एस दिया हुआ है इस तरीके से, तो पहले हमने इसमें वी निकाल दिया, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से जब हम इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए हमने जब पहली बार किया तो क्या आया, तो देखिए 3 2t³। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और टी क्यूब का जब हम करेंगे तो 3 पहले, देखिए आपको मैंने फार्मूला बताया था x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1। तो इसी तरीके से टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t² तो यहाँ पे 3t² और ये वाला 2 कांस्टेंट है, तो ये टोटल हो जाएगा 6t². इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए 3 का 3 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, क्योंकि एक्स एन लिखा है तो n x की पावर -1, तो ये हो जाएगा 6t, तो ये 6t आ गया। एंड थर्ड में दिया है हमें 6t, तो अगर हम t से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 6 अकेला मिलेगा, क्योंकि dt अपॉन dt तो 1 हो जाएगा, इसलिए हमें 6 मिलेगा अकेले। और लास्ट में 8 है, तो 8 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो ये आ गया एक बार डिफरेंशिएट करने पे, अगर हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करें तो 6 लिखा रहने देंगे, 2t² का हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 12t, तो ये लिखा है 12t, और 6t का हो जाएगा 6, क्योंकि t dt अपॉन dt हो जाएगा 1, इसलिए 6 अकेले आएगा, और 6 एक कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 0। तो ये हो गया डिफरेंशिएट, तो दो बार डिफरेंशिएट करने पे हमें आ गया 12t + 6। तो ये किसकी वैल्यू, ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू। बट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो करो और फिर हमें बताओ कि टाइम कितना हो रहा है, तो हमने एक्सेलरेशन को कर दिया ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा 12t + 6 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा -6/12 आ जाएगा टी की वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.5 सेकेंड। तो हमसे पूछा गया था टाइम, तो टाइम आ गया है 0.5 सेकेंड। इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ अ बॉय ड्राइव्स द स्कूटर, अगर एक बॉय है जो कि स्कूटर ड्राइव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आर से कर रहा है, कितना टाइम, हाफ एन आर, मतलब वो आधे घंटे के लिए कौन सी स्पीड से स्कूटर मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आर से, और 60 किलोमीटर पर आर से वो अगला हाफ एन आर कवर कर रहा है, मतलब एक घंटे का टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम है, और वो आधा घंटा चल रहा है 40 से और आधा घंटा चल रहा है वो 60 किलोमीटर पर आर से। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो देखिए ये है इसका सोल्यूशन, तो देखिए उसने 40 किलोमीटर पर आर, ये क्या स्पीड है, और टाइम कितना में दिया है, हाफ एन आर, तो आधा घंटा, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे वही किया है, हमने पहला डिस्टेंस निकाला 40 × 0.5 क्यों, क्योंकि आधे घंटे को हम कैसे लिखेंगे 0.5 आर, 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.5। तो इस तरीके से यहाँ पे 40 × 0.5 हो गया 20 किलोमीटर, मतलब उसने आधे घंटे जब 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव किया तो उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसी तरीके से जब नेक्स्ट आधे घंटे में उसने 60 किलोमीटर पर आर से डिस्टेंस कवर किया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 किलोमीटर। तो हमें पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हम सभी जानते हैं, टोटल टाइम है 1 आवर, 1 घंटा है, और जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 + 30 = 50, एंड 50/1 कितना हो जाएगा 50। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 50, मतलब इसने पूरे 1 घंटे में एवरेज स्पीड 50 से मूव किया हुआ है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, 50 किलोमीटर पर आर।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है जो हमें बता रही है किसी भी पार्टिकल का वेरिएशन उसके टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये एक्स वन बाई टू लिखा, मतलब एक्स की रेस टू द पावर 1/2 लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस 9, हमें ये चीज़ दी हुई है। तो हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक्स है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें इसे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन लाने के लिए। तो आप इसके सोल्यूशन में देख सकते हैं आपको ये चीज़ दी हुई है। तो देखिए हमें इसको क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स अगर 1/2 इधर है और यहाँ पे टी प्लस 9 है, तो ये जब इस तरफ जाएगा तो इस पे चढ़ जाएगा क्या स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स टी प्लस 9 का होल स्क्वायर। और अगर हम टी प्लस 9 का होल स्क्वायर करें खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो ये कुछ टी स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18t आ जाएगा। और फिर हम इसे क्या करेंगे, एक दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हमने से पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे आएगा तो 2t प्लस 18t का हो जाएगा 18, और 81 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 18। अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा सिर्फ 2, क्योंकि 18 का तो हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ रही है, जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, टाइम की पावर 0, मतलब अगर 2 को हटा दिया जाए तो क्या आएगा, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, मतलब ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, मतलब टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो अगर ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, मतलब फिक्स है ए की वैल्यू 2, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, टाइम से डिपेंड ही नहीं कर रही। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो गई 2। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ही प्रेस कर